assalamualaikum alaikum guys namaste guys welcome back again to our channel Pakistani, Pakistani reaction guys my name is Hassan Nasir and I am Ahmad Latif and today's video title is going to be crispy and spicy and very, very, very interesting past present and future of pakistan economy in hindi gdp growth rate debts cpec that इन्फ्लेशन मतलब ओवरऑल so, अगर आपको सारा कवर करेंगे पाकिस्तान के पास में प्रेजेंट में फ्यूचर में क्या जीडीपी रही उसका इन्फ्लेशन रेट क्या रहा उसका ग्रोथ रेट क्या रहा और डेट साइकिल जो है वो मतलब कब स्टार्ट हुआ और आप इस टाइम क्या चल रहा है ओवरऑल इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया जाएगा तो गैस हमारे बने रहेगा बहुत मजे की वीडियो होने वाली हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं थ्री टू वन स्टार्ट पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का एक इस्लामिक देश है दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है एरिया वाइज दुनिया का तैतीसवा सबसे बड़ा देश है तीन बार मिलिट्री द्वारा शासित किया गया देश है और एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है था, कि उस के बड़े -बड़े पाकिस्तान को एशिया का जॉइंट तो छोड़िए साल दो हजार अठारह में वो उन्नीस सौ इकहत्तर में बने बांग्लादेश से पीछे हो गया है आजकल पाकिस्तान बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है जैसे कि ओवर पॉपुलेशन टेररिज्म पॉवर्टी इलिटरेसी करप्शन और कर्ज तो आइए जानते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम्स पहले के मुकाबले बड़ी हैं या फिर कम हुई हैं तो नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में प्रेजेंट सीैरियों के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू और अब आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको एडवांस सीखना एक हजार चार सौ पचहत्तर रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको चार हजार सात सौ बीस का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ दोनों कोर्सेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उन्नीस में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना शुरुआत में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ भारत से कहीं आगे थी 1960 तक पाकिस्तान की एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट 6.8 परसेंट थी 1970 तक यह ग्रोथ रेट गिर के फोर पे परसेंट पे थी फिर 1990 तक पाकिस्तान की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट गिर के फोर तक आ परसेंट तक थी पाकिस्तान की ग्रोथ रेट गिरने का सबसे बड़ा कारण बना मिलिट्री रूल आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जब पाकिस्तान बना था तब उसने सेमी लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई थी जिसके चलते पाकिस्तान में बहुत सी प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करने लगी थी और शुरुआत में पाकिस्तान के रिलेशन यूएस के साथ भी अच्छे थे जिससे पाकिस्तान में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी होती थी पर मिलिट्री रूल के चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी को नेशनलाइज कर दिया गया मिलिट्री ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया प्राइवेटाइजेशन को खत्म कर दिया जिससे पाकिस्तान की ग्रोथ रेट गिरने लगी दो में पब्लिक प्रेशर के चलते पाकिस्तान में मिलिट्री रूल खत्म हुआ और पाकिस्तान में पीपीपी पार्टी की सरकार बनी पी की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान में तेजी से वॉयलेंस और करप्शन बढ़ने लगी जिसके कारण ये सरकार भी चार साल में ही गिर गई फिर 2013 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने बहुत से लोग बोलते हैं कि इमरान खान को बहुत बुरे हालातों में पाकिस्तान मिला है पर शायद उनको पता नहीं है कि 2013 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तब पाकिस्तान एनर्जी शॉर्टेज हाइपर इन्फ्लेशन माइल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हाई डेट और लार्ज बजट से गुजर रहा था तो जैसे ही नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें आईएमएफ की तरफ से 6.3 बिलियन डॉलर्स का फंड मिलता है उन पैसों से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की एनर्जी शॉर्टेज को कम किया पब्लिक फाइनेंसेज को स्टेबलाइज किया रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाया और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव किया यहाँ तक की पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को भी कम किया ये सारी बातें आई ने अपनी रिपोर्ट में कही है पर एक बार फिर से पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है और नवाज शरीफ की सरकार गिर जाती है और इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के अब तक के इतिहास में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने पाँच साल का पूरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया 2002 में पाकिस्तान की इकॉनमी 100 बिलियन डॉलर्स की थी 2011 में पाकिस्तान की इकॉनमी 200 बिलियन डॉलर्स की बनी 2017 में पाकिस्तान की इकॉनमी 300 बिलियन डॉलर्स की हो गई थी और अभी की बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की बयालीसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दो में पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी टू बिलियन डॉलर है हाँ आपने सही सुना पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी की साइज कम हुई है और उसका रीजन पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू का डॉलर के मुकाबले गिरना है और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू के गिरने का रीजन है कर्ज पाकिस्तान की जी डी पी 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 परचेसिंग पावर पैरिटी दो हज़ार इक्कीस में वन पॉइंट वन नाइन ट्रिलियन डॉलर्स है जी डी पी पर कैपिटा की बात करें तो पाकिस्तान की पर कैपिटा पेंडेमिक के कारण दो हजार बीस में माइनस टू पॉइंट सेवन परसेंट कम हुई है दो हज़ार इक्कीस में पाकिस्तान की पर कैपिटा नॉमिनल टर्म्स में वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री डॉलर्स है और पीपीपी टर्म्स में फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी नाइन डॉलर्स है वैसे ये अनुमान लगाया गया है कि दो हजार इक्कीस में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम माइनस जीरो पॉइंट टू परसेंट और कम होगी ये डाटा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 2019 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट परसेंट थी जो 2020 में पेंडेमिक के कारण गिर के पॉइंट परसेंट पे आ गई है 2021 की ग्रोथ रेट 1.4 परसेंट प्रिडिक्ट की गई है. अच्छा कुछ पाकिस्तानी यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इमरान खान ने 3.94 परसेंट बताई है तो देखो इस चीज को लेके पाकिस्तान में खुद बवाल हो रहा है पाकिस्तान में कुछ पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जो फिगर इमरान खान की पार्टी ने बताया है वो गलत है ये इमरान खान की पार्टी का इलेक्शन प्रोपोगेंडा है पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि अप्रैल में जब पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट ने आईएमएफ को बजट स्ट्रेटेजी पेपर शेयर किया था तब उसमें पाकिस्तान की सरकार ने दो की ग्रोथ रेट टू पॉइंट एस्टिमेट की थी पर कुछ हफ्तों के बाद ही पाकिस्तान की सरकार ने ग्रोथ रेट बढ़ा के थ्री पॉइंट नाइन कर दिए जबकि पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने पाकिस्तान की दो की ग्रोथ रेट टू से एट थ्री के बीच में आई एम एफ ने टू परसेंट प्रेड किया और वर्ल्ड बैंक ने वन पॉइंट फाइव परसेंट प्रेड किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट दो हजार इक्कीस में टू परसेंट प्रेड किया जीडीपी बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की जीडीपी में 18.7 परसेंट है इंडस्ट्री सेक्टर का 19.7 परसेंट है सर्विस सेक्टर का 61.5 परसेंट है फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान का जून 2021 तक 23 बिलियन डॉलर्स है अन रेट पाकिस्तान में 5 परसेंट है पॉवर्टी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक दो में फोर्टी पीपल पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन से नीचे थे पर पेंडेमिक के चलते दो में पाकिस्तान की पॉवर्टी रेट फाइव इंक्रीज हुई है दो में पाकिस्तान में दो मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए इसके अलावा 2018 के पाकिस्तान के नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में ये पाया गया है कि पाकिस्तान में 50 परसेंट फैमिलीज को दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता है 40.2 चिल्ड्रन पाकिस्तान में माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड है वैसे ये सर्वे पाकिस्तान की सरकार ने खुद करवाया है इन्फ्लेशन की बात करें तो 2018 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 4.7 परसेंट था जो मई 2021 तक आते आते 11.9 परसेंट हो गया है। यह डाटा पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिया गया है। पाकिस्तान के लोगों ने यह नोटिस किया होगा कि साल भर में पेट्रोल और डीजल की प्राइस पाकिस्तान में बहुत बढ़ी है केरोसिन की प्राइस बहुत बढ़ी है जिससे कंज्यूमर गुड्स की भी प्राइस बढ़ी होगी तो यहाँ पे पाकिस्तान की सरकार को इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जल्दी कुछ करना होगा ट्रेड की बात करें तो पाकिस्तान की ट्रेड कोरोना के चलते 2020 में कम हुई है जहां 2019 में पाकिस्तान का एक्सपोर्ट 24 बिलियन डॉलर्स था वहीं 2020 में एक्सपोर्ट गिर के 22 बिलियन डॉलर्स पे आ गया है पेंडेमिक के चलते एक अच्छी बात यह हुई है कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम हुआ है 2019 में इंपोर्ट पाकिस्तान का फिफ्टी बिलियन डॉलर था जो दो में गिर के फोर्टी बिलियन डॉलर पे आ गया है जिससे पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है पर देखा जाए तो पाकिस्तान का ओवरऑल ट्रेड बहुत कम है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है की पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने कोई भी मेजर ट्रेड डील और यूरोपियन देशों के साथ नहीं की है। अच्छा कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी मेरे से ये पूछते हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक डाउनफॉल के पीछे क्या रीजन है तो देखो पाकिस्तान के इकोनॉमिक डाउनफॉल के पीछे मुझे चार रीजन दिखाई दे रहे हैं पहला रीजन है एफएटीएफ एफ ग्रे लिस्ट पाकिस्तान और एफ का रिश्ता बहुत पुराना है पाकिस्तान पहली बार 2008 में एफ की ग्रे लिस्ट में गया था फिर 2012 में दोबारा पाकिस्तान दोबारा की ग्रे लिस्ट में गया था और तीसरी बार 2018 में पाकिस्तान एफ की ग्रे लिस्ट में गया था और अभी तक एफ की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है ए एफ किसी भी देश को ग्रे लिस्ट में तब डालता है जब उस देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग बढ़ जाती है एफ एफ की ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ है इस्लामाबाद के थिंक टैंक तबद लैब ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2008 से 2019 तक पाकिस्तान को एफ की ग्रे लिस्ट में होने से 38 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है 2021 के फिगर जब सामने आएंगे तो ये लॉस 40 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करता हुआ दिखेगा दूसरा रीजन है रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी अगर कोई रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी है तो वो है सीपैक सीपैक की शुरुआत 2015 में हुई थी ये डील पावर सेक्टर रोड्स हाईवे रेलवे के लिए की गई थी जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके पर इन पांच छह सालों में सीपेक ने पाकिस्तान को दिया क्या क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक हो गई है ग्रोथ रेट बढ़ गई है इन्फ्लेशन कम हो गई है क्या पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं क्या अनुप्लॉयमेंट कम हो गई है पॉवर्टी की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ आखिर मिला क्या सीपेक से पाकिस्तान को जरा बताओ अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे की जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब देखना तो शायद आपको ये बात पता नहीं होगी की सीपेक की कम्प्लीट करने की डेट दो रखी गई है तो क्या दो तक इंतजार करोगे मतलब देश की बैंड अभी बजी हुई है और आप टारगेट पंद्रह साल का रख रहे हैं की पंद्रह साल बाद सब ठीक हो जाएगा इसीलिए मैं इसको रॉन्ग इकोनॉमिक डिसीजन बोल रहा हूँ इसके अलावा अब तो पाकिस्तान की सरकार ने यह भी मान लिया है कि चाइना ने सीपेक में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पाकिस्तान को कर्ज भी दिया है जिससे पाकिस्तान को कभी ना कभी तो चुकाना ही होगा और यहाँ मैं 100 परसेंट श्योर हूँ की पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाएगा और वो चाइना से और टाइम मांगेगा और इसके बदले में चाइना पाकिस्तान का ग्वादा पोर्ट लीज पे ले लेगा एक मिनट शायद ये हो चुका है म्यूजिक पाकिस्तान के इकोनॉमिक डाउनफॉल का तीसरा रीजन है डेट इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान का कर्ज कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया टोटल पब्लिक डेट पाकिस्तान का 2018 में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने से पहले 29,879 बिलियन पाकिस्तानी रुपी था जो 2021 में बढ़ के बिलियन पाकिस्तानी रुपी हो गया इस तरह पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट भी बढ़ा है दो में पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 95 बिलियन डॉलर था जो 2021 में बढ़ के 116 बिलियन डॉलर हो गया पाकिस्तान का डेट हर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है कुछ पाकिस्तानी अब यहाँ पे बोलेंगे कि इमरान खान सही काम कर रहा है तो जरा ये बताओ ये कौन सा लॉजिक है कि कर्ज को कम करने के लिए और कर्ज लिया जाता है वैसे ये सारा डाटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है आप खुद से चेक कर सकते हैं चौथा रीजन है इकोनॉमिक डाउनफॉल का सपोर्ट टेररिज्म पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के डाउन होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान की सरकार टेररिज्म को सपोर्ट करती है और इसी के चलते पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं करता है प्रूफ दे रहा हूँ अब आप इस फिगर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू देखिये दो से दो तक हर साल बढ़ा है टोटल टैक्स रेवेन्यू देखिये दो हजार पांच से दो हजार बीस तक बढ़ाए मतलब लोगो ने टैक्स भी ज्यादा दिया है अब आप ये फिगर देखिए इसमें पाकिस्तान का टोटल डेट 2009 से 2021 तक हर साल बढ़ा है अब एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि जब लोग ज्यादा टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी हर साल बढ़ रही है उसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार ने ज्यादा कर्ज क्यों लिया देश की डेवलपमेंट तो टैक्स के कलेक्शन से ही होती है जो की पाकिस्तान में हर साल बढ़ी है चलो एक बार मैं मान लेता हूँ कि जो कर्ज पाकिस्तान ने लिया वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लिया होगा पर ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अभी बहुत ज्यादा है एक्सपोर्ट्स बढ़े नहीं है फॉरेन रिजर्व भी सिर्फ 23 बिलियन डॉलर्स है और पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट एक बिलियन डॉलर हो गया है एक बिलियन डॉलर बहुत पैसा होता है वो पैसा कहाँ गया ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रीवियस गवर्नमेंट का डाटा है ये चौदह साल का डाटा है मतलब पाकिस्तान की पास थ्री गवर्नमेंट का डाटा है और ये मैं अपने से फिगर्स नहीं बता रहा हूँ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डाटा है अगर पाकिस्तान में ऐसे ही हालात बने रहे तो फ्यूचर में पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस कंट्री बोला जाएगा वैसे अभी भी बोला ही जाता है आपने सबसे पहले घबराना नहीं फ्यूचर की बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालात पहले ही खराब थे कि कोरोना वायरस ने आके और बैंड बजा दी जिससे एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि फ्यूचर में पाकिस्तान की बहुत ही अच्छे से लगने वाली है और ये दिख भी रहा है इमरान खान की सरकार अब धीरे धीरे पाकिस्तान के एसेट्स जैसे की एयरपोर्ट्स मोटरवे को लीज पे दे रही है ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ ये पाकिस्तान डेली की रिपोर्ट है पाकिस्तान की समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कर्ज ज्यादा कर्ज लेने से पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैंड बच चुकी है आईएमएफ पाकिस्तान को बता रहा है कि उसको इकोनॉमी कैसे चलानी है पाकिस्तान के बराबरी वाले देश आज उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं फ्यूचर की बात करें तो पाकिस्तान का कर्ज और बढ़ेगा जिसको चुकाने के लिए पाकिस्तान हमेशा की तरह और कर्ज लेगा क्योंकि चाहे पाकिस्तान की पुरानी सरकार हो या नहीं किसी ने भी पाकिस्तान के कर्ज को कम नहीं किया उल्टा बढ़ाया है इमरान खान आए दिन ये बोलते रहते की अभी देश में बुरे हालात चल रहे हैं सब साथ दे पर पाकिस्तान के बुरे दिन तो अभी आने वाले हैं वो इसलिए क्योंकि आईएमएफ का कहना है कि 2023 तक पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट सिर्फ इंटरेस्ट रेट के चलते 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा इसके अलावा अगर पाकिस्तान की सरकार ने और कर्ज लिया तो फिगर कहां जाएगा ये तो आईएमएफ को भी नहीं पता अगर पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है और कर्ज से बाहर आना है तो पाकिस्तान की सरकार को अपना ट्रेड बढ़ाना होगा बहुत सारे मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने होंगे मेक इन पाकिस्तान को प्रमोट करना होगा एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस करना होगा और अपने फॉरिन रिलेशन को ठीक करना होगा फॉरेन रिलेशन को ठीक करने की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर पाकिस्तान का फॉरेन रिलेशन ठीक होता है तो इससे पाकिस्तान का ट्रेड भी बढ़ जाएगा इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार को महंगाई को कंट्रोल करना होगा पाकिस्तान की सरकार को यह कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से ज्यादा हो ये नहीं कि की पाकिस्तान की ग्रोथ रेट तीन से पांच के बीच में हो और इन्फ्लेशन आठ से दस के बीच में हो इससे पाकिस्तान में गरीबी ही बढ़ेगी तो अब फ्यूचर में देखना यह है कि की पाकिस्तान की सरकार इकोनॉमी को संभालने के लिए आगे क्या स्टेप्स लेती है ओके okay, जो वीडियो को है, एंड करते एंड हैं करते काफी जो थी। है इन्फॉर्मेटिव तो आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो पास हिस्ट्री के बारे में बताया बिल्कुल ठीक कहा है पाकिस्तान जब 1947 को इंडिपेंडेंस डे जब होता है आजाद होता है उसके बाद पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था और काफी, काफी पूरी दुनिया के अंदर मतलब कह रहे थे मान रहे थे कि पाकिस्तान जो है एशियन टाइगर होगा हालिया आने वाले सालों में तो में तो 1958 वो साल रहा जब मार्शल लग गया और जनरल यू खान का दौरा आ गया तो 1958 से इनका जवाल आना स्टार्ट हो गया और उसके बाद से आ... मैं कहता हूँ कि मतलब ये किस्म का हर चीज़ नेशनलाइज करना भुट्टो ने भी मतलब उस दौर से पहले भी नेशनलाइजम जो है ना ये इसी अरूज पर थी ये कि फैक्ट्रीज़ को गवर्नमेंट जो है जितने भी जो है ना बिजनेस दारे हैं उनको नेशनलाइज कर दिया गया गवर्नमेंट ने अपने पास खींच लिया तो या इस इन कंडीशन के अंदर फिर कौन इन्वेस्टर फॉरेन कंट्री से आएगा और इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर जब उनको पता है इतनी इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गया कि जो आर्मी चीफ बनता है वो अपनी मर्जी करता है जिसके जिस, जिस फैक्ट्री पे जिस जो है ना अच्छी चलती हुई कारखाने पे किसी की नज़र पड़ती है किसी आर्मी वाले की आर्मी चीफ़ की वो कता ये मेरी ही होगी तो इस तरह फिर इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है और चलती चलती आपकी इतनी स्ट्रॉग मीशत जो इकॉनमी थी वो डूबना स्टार्ट होगी इन्वेस्टर्स जो बाहर से आ रहे थे उनका एक जो है ना फ्यूचर उनको नजर आ रहा था अपना पाकिस्तान में उन्होंने अपना मुंह यहाँ से जो है ना इंडिया की तरफ या किसी और कंट्री की तरफ कर लिया बांग्लादेश चले गए किसी और कंट्री को 90, 71 में फिर उसके बाद नवाज शरीफ आए फिर उसके बाद जब वो खत्म हुआ मार्शा फिर भी कोई खासी फरिश्ते नाजल नहीं हुए नहीं। फिर उनका बाप नाजल हुआ आसिफ जरदारी जो है इनका बाकी जो करप्शन के सरदार थे उनका और आगे इसने जो है सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान का ये बताया गया इस वीडियो के अंदर भी कि जैसी जरदारी की गवर्नमेंट आई तो करप्शन का जो है ना दौर शुरू हुआ तो भाई जितनी करप्शन हुई मैं कहता हूँ मतलब हाँ। काफी मुल्क को तबाह किया था तबाह किया और उसके बाद फिर अभी बिल्कुल दुरुस्त का मुझे शायद नवाज शरीफ के सपोर्टर भी लगे ले थे लेकिन <laughs> उन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त की हसन कि नवाज शरीफ को जब मुल्क मिला तो काफी हालात खराब थे जरदारी ने इस निचोड़ दिया था उसको मुल्क को फिर नवाज़ शरीफ ने उसको जो है ना काफ़ी जो है ना प्रमोट किया काफ़ी इस पर स्ट्रगल की और पैसा लोन लेके हमारी बिजली हम याद है लोड शेडिंग तो दस दस घंटे लोड शेडिंग थी आसफ़ जरदारी के दौर में नवाज़ शरीफ ने उसको जो है ना कंट्रोल किया अभी फिर इमरान खान की जो है ना गवर्नमेंट आई है वो भी मतलब अपने लिहाज से करने की कोशिश कर रही है सही तो ये अभी एंड में पता लगेगा क्या उन्होंने पाया क्या खोया ठीक है ना ओवरऑल भी जो है ना उन्होंने बिल्कुल जो है ना अंदर और बहुत सारी जो है ना दुरुस्त बातें की हैं कि अभी तक आज तक ये हैरानगी की बात है किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के अंदर अपना टेन्योर पाँच साल का पूरा नहीं किया ठीक है तीन साल किया या चार साल किया ठीक है ना इससे ज़्यादा जो है ना आप पाँच साल किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने पूरे नहीं किए पाकिस्तान में आज तक यहाँ मार्शला लग जाता था यहाँ सुप्रीम कोर्ट उसको नाहल करार दे के उसे निकाल देती है ये सीन चला अभी इमरान खान आई थिंक

ज्यादा जा रहा है लेकिन कम है ज्यादा बहुत ज्यादा कम है ठीक है।, है और पाकिस्तान ने पता नहीं यार क्या हरकतें शुरू की जिसकी वजह से मतलब कहाँ पे की थोड़ा सा कोविड अभी भी मतलब झटका लगा है पे एड से लेकर और इंडिया की भी अब इस टाइम फाइव समथिंग है या सिक्स पॉइंट समथिंग है तो उनको भी झटका लगा है

तो सारा पाकिस्तानी प्रस्पेक्टिव पाकिस्तानी के लोग क्या सोचते हैं टूअर्ड्स पैक ये बताएंगे, तो आज के लिए इतना ही था तो अपना रखिएगा ख्याल मुझे असर असर मानने टेक केयर खुदा हाफिज़